हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो दरअसल एग्ज़ाम में बहुत बिजी चल रही हूँ, मैंने आपको पिछले ब्लॉग में भी बताया था। तो बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है, बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा है। तो आज भी मतलब अभी एग्ज़ाम चल ही रहे हैं, तो आज सोची थी कि नानी का जाते हैं, तो मैंने सोचा ब्लॉग शूट कर ही लेते हैं, थोड़ी बहुत मस्ती वगैरह जो भी होगा आज का मैं पूरा डे शूट करूँगी, आपको दिखाऊँगी। और जल्दी प्लान भी कर रहे हैं हम कहीं जाने का, तो थोड़े दिन वेट करो, जल्दी से जल्दी कंटिन्यू ब्लॉग्स आएंगे, बस थोड़ा सा टाइम है। बाकी बहुत गर्मी है, घर से बाहर निकलने का भी बिल्कुल दिल नहीं करता है, हो दो मिनट भी नहीं धूप में खड़ा हो जाता, मेरे से ज़्यादा तो फ़ोन हीट करता है। तो बाकी अब चलते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ हो गया, अब सीधे चलते हैं नानी के घर पर। तो वहाँ किसी को नहीं पता है कि मैं आ रही हूँ, तो देते हैं उन सबको जाके सरप्राइज। सो लेट्स गो और करते हैं आज का ब्लॉग शूट। मजे आ, मुझे मिस करोगे? नो। व्हाई? सिर्फ मैं सिरदर्द हूँ का? मैं सिरदर्द हूँ कोई? माँ मुझे बोली जा तू, सिरदर्द है, मैं तुझे मिस नहीं करूँगी, मत करो। मैं कौन सा करूँगी आपको, शाम को फिर से आ जाऊँगी मैं सिर खाने आपका। तो गाइस अब मैं अपनी स्कूटी लेके जा रही हूँ नानी के घर पे, पता नहीं पहुँच पाऊँगी या ऊपर पहुँच जाऊँगी। तो लेट्स गो। तो यहाँ बाइक का डिज़ाइन नहीं हो रहा था आना है कि नहीं आना है, पर अब वो आ रहा है। मेरे बिना कैसे रहेगा बेचारा मेरा भाई। और रब्बा बड़ी गर्मी है। आप भी जा रहे हो? आप भी जा रहे हो? नहीं जा रहे हो? ओके। मानिक आदमी स्कूटी पे लेके जा रही हूँ, तो मैं कैसा लग रहा है मानिक, जब मुझे बताएं आज आप मेरे साथ जा रहे हो, मैं ड्राइविंग करूँगी तो रास्ते पीस सच्ची सच्ची टोकरी। तो आप हम आ चुके हैं नानी के घर पे, सामने ये है रिंग रोड, नानी का घर। जिसने मेरा पिछला ब्लॉग देखा होगा उसको ये ब्यूटीफुल फ्लावर्स से याद ही होंगे। तो गाइस सब हम लोग को सरप्राइज दिया, सरप्राइज देना है, तो इनका रिएक्शन देख। ए क्या ओ आगे पोज मारे बना वीडियो भाई, देखो पार्क में छुट्टी है। तो गाइस ये लो, ये लड़की झाड़ू लगा रही थी, उसने मुझे कैमरा देखते ही झाड़ू फेंक दिया। लग गया मेरे चैट के साथ। नहीं तुम लोगों को पहले ही पता था मैंने आना है, आरती। यहाँ हम, क्या नाम है इसका, कोको, क्या नाम था इसका, कुत्ता, इसका नाम डैडी का ये क्यों, कोको कुकी, कुकी के ऊपर बैठ गई हूँ मैं, लेट गई हूँ, पर ये सिर्फ मेरा कुकी है। और ये भी आ गया, और ये झाड़ू लगा रही थी लड़की, वो काम वाली झाड़ू वाला सीन लगाना डालना भाई सबसे पहले फ्रंट में काम वाली। तो क्या हो गया, झाड़ू तो सब लगाते हैं, मोदी नरेंद्र मोदी तक झाड़ू लगा सकता है, मैं भी लगाती हूँ, तुम लोग भी लगाते हो, सब लगाते। तो मैं बोल रही थी कि मेरे हाथ में निशान अभी तक है वोट का, तो आप लोगों का निशान मिट चुका है कि नहीं मिटा है? मैं दीदी ये लो कपड़ा दीदी ये लो कपड़ा और साफ करो जाके दरवाजे। मजा मेरे साथ मजा। तो इधर चल रही है हेयर स्टाइलिंग। यार ये मेरे को ना मुंह धोने देती है ना बाल बोने देती है, उठती हूँ उठते ही कैमरा लगे सामने आ जाते, इसने मेरा ना अपने सभी फैंस के सामने सामने मेरा नमूना बना के रखा है, सभी सोचते हो कि पागल है। कुछ नात्री। तो यहाँ हमारा होम थिएटर। Yeah.
अभी 40 मिनट्स में हमारा डिलीवर होने वाला है जो हमने ऑर्डर किया है, तो वेट करते हैं, देखते हैं। फर्स्ट टाइम ऑर्डर कर रहे हैं, हमें कोई वो नहीं है, पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, बट ऑर्डर तो हो चुका है, अब देखते हैं आते हैं कि नहीं आते हैं। 40 मिनट्स में वेट करना पड़ेगा। लेट्स वेट। तो आपको क्या लगता है ज़ोमैटो वाले आएंगे? नहीं, 40 मिनट्स देख लेते हैं इनके, 40 मिनट करना पड़ेगा, देखते हैं पहुंचने के लिए। अगर पहुंच गए फिर तो उनकी खैर रोज बुला, फिर तो हमने रोज बुला लिया करना उनको, देखते हैं 40 मिनट्स का वेट करने का बोला है उन्होंने, टैक्सी आते हैं कि नहीं आते हैं। तो हमारा ज़ोमैटो वाला आ गया, तो वो बोलता कि मैं बाहर खड़ा हूँ, तो देखते हैं। गाइस देख, हमें लगा नहीं था कि पिज्जा वाले भैया, तो गाइस हमारा पिज्जा आ चुका है, गाइस लगा तो हमने तो किया है, बट लगा नहीं था पिज्जा वाले भैया यहाँ पे आएंगे, बट वो यहाँ पे भी टपक गए, अब पता चल गया बाइट से आए, कहीं पे भी टपक जाती है। तो हमने कुछ ज्यादा ऑर्डर नहीं किया था, पता नहीं आता नहीं आता, पिज्जा ऑर्डर किया था सिर्फ छोटा सा, तो वो आ गया हुआ है, नेक्स्ट टाइम हम ज्यादा ऑर्डर करेंगे। तो ये रहा हमारा, और यम्मी सा खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, तो बहुत ही अम्मी पिज्जा है सच्ची में, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था पर ये आ चुका है। बनाए हैं? नहीं, ये चावल नहीं है, ये पता नहीं क्या है, ये आइसक्रीम है आई थिंक। तो अब हमारी पिज्जा खाने की भूख और ज्यादा बढ़ चुकी है, जिस कारण से मेरे से मैज़रोला चीज बनवाया, जिस कारण से हम घर पे पिज्जा बनाने लगे हैं। पहले हम मैज़रोला चीज बनाएंगे, और थोड़ी सी मैं आपको ये बताएंगी आपको कैसे बनाते हैं। गाइस मेरे को नहीं आता, मैंने यूट्यूब पे देखा है, आप जाके देख सकते हैं, मेरे को कुछ नहीं आता, फिर भी थोड़ा थोड़ा कुछ नहीं। ठंडे दूध में क्या डालो? विनेगर। ठंडे दूध में विनेगर, गरम दूध में विनेगर डालो, वो फटे, और उसको अच्छे से हिलाओ, उसको अच्छे से। अभी सिमर गई, लाइट ऑन करने से मैम ज्यादा हीट बढ़ती है। ओह आई सी, सॉरी। तो सील गरम दूध लेना, उसमें विनेगर डालना, विनेगर से दूध को हम फाड़ेंगे। इतना बन गया, तो हमारा थोड़ा सा मैज़रोला चीज बन चुका है, तो हम बनाएंगे बड़ा सा पिज्जा। छोटे से पिज्जे से हमारा पेट नहीं भरा, मजा नहीं आया कुछ, तो हम जस्ट ट्राई कर रहे थे कि यहाँ तक वो आते हैं, लेकिन नहीं आते, मल्टी टैलेंटेड है। सॉरी कसम से, मैं जब मेरी इस बॉटल पर नजर पड़ी, मैं सोच रही थी पानी या पी लेती हूँ, प्यास लग रही है, मुझे खुद ही याद आई ये तो पीने के। तभी चीज़ बनाते हैं, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं, चीज़ बनाने के बाद हमें क्या करना है। ओके, क्या करना है? क्या करना है आगे, कैसे पिज्जा बनाना है, कैसे खाएंगे? मेरे को चीज़ बनाना था, पिज्जा बनाना नहीं आता, वो हम बना लेंगे। यूट्यूब बाबा जिंदा, पर ऐसे भी आता है बनाना, हमें झूठ झूठ बोलना यार। शक्ल का बन गया है कबाड़ी वाला, बहुत गर्मी है, तो चीज बन गया है। तो अब हमें पिज्जा का डो बनाना था, तो यहाँ हमारा डो रेडी हो गया है। तो ये कैसे किया, कैसे रेडी किया इसको? इसको मतलब क्या, कैसे मतलब क्या डाला इसमें? इनो, हाँ, आटे में, आटा, आटे में इनो मिक्स करना है ताकि ये फ्लफी फ्लफी रहे, और यहाँ पे चीज। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा, गाइस जो भी हमें ऊपर रखना है उसकी कटिंग, इसको बोलते हैं गंडू, अनियन, हम गंडू बल्ब, साइंस में क्या बोलते हैं इसको? बल्ब, सॉरी आप तो कॉमर्स स्टूडेंट हो, हम कॉमर्स वाले बंदे हैं, साइंस में बोलते हैं बल्ब। ओके, अब ये डो भी तैयार है, चीज भी तैयार है, अब हम ऊपर की फिलिंग जो भी, मेरा चिक्कू भी तैयार है। देखो गाइस, मैडम आज काम कर रही है,
मैंने मैम को प्याज काटने लगाया है। तो हम अनियन वाला पिज्जा बना रहे, तो हमें अनियन को हमने स्लाइस में काट लिया, अभी ये ऊपर फिल। नहीं मैग दी, ऐसी स्लाइस में कौन से अनियन पिज्जे में होते हैं? ऐसे ही होते हैं, ऐसे 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 ऐसे। अब बाकी सब्जियां कौन काटेगा? मैं। गाइस देखो कितना काम करती है मेरी बहन, काश इतना काम कभी मैं भी करती, बट मेरे पास। तो हमने होममेड सॉस भी बना लिया है, दरअसल घर में सॉस अवेलेबल नहीं थी, ख़त्म हो गई थी, तो हमने होममेड वो बना लिया। मैं भूल गई कि उसको मैं रिकॉर्ड कर लूँ, तो अब बाकी हम इसको पूरा प्रॉपर रेडी करने वाले हैं पिज्जे को, और फिर उसको ओवन में डाल के थोड़ा सा वेट करेंगे। गाइज हमारा वेट ख़त्म हुआ, टाइम ओवर होने वाला है, बस थोड़ा सा रह गया तो इसको हम निकालेंगे, देखते हैं हमारी मेहनत लगी है कि नहीं लगी, हमारी मेहनत यम्मी है कि नहीं है। बना रही हूँ सही में पिज़्ज़ा अच्छा बना है, जितना मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा अच्छा बना है, यमी यमी है। अभी हम इसको कटर के साथ काट रहे हैं, कटर नहीं चाकू है, के साथ। ये मेरा हथियार है, इसको फिर टेस्ट करके बताते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे बनाए ये। ये देख सकते हैं हमारा पिज़्ज़ा बन चुका है, मैं टेस्ट करने वाली हूँ। अब मेरी शक्ल मत देखना, क्योंकि अच्छा होगा तो शक्ल ठीक बनेगी, अगर गंदा हुआ तो शक्ल बहुत बेकार बनेगी। मैं ट्राई, अच्छा है यार, सीरियसली काफी ज्यादा अच्छा खा के देख। तो आटा में से पकड़ा ही ज्यादा, तूने बाइट भी कर ली, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, खासकर जो मैज़रोला है ना, अच्छा है ना काफी ज्यादा। और ये डाला है नहीं, वो फिर लाया हमने। गाइस एकदम फर्स्ट क्लास पिज्जा बना है, हमें यकीन ही नहीं था कि ऐसा पिज्जा बनेगा। वाह, आप लोगों को मैंने बता दी कैसे कैसे बनाते हैं, अगर आप लोगों को ट्राई करना है तो आप लोग भी कर सकते हैं और बता सकते हैं हमें कि कितना अच्छा बनता है। हाँ अब हम इसको करते हैं फिनिश, फिर आपसे मिलते हैं, बाय बाय। बैक टू होम, हमेशा की तरह इस टाइम भी लाइट बंद है और गर्मी के वजह से मेरी हालत इतनी बुरी हो चुकी है, तो आज का ब्लॉग करते हैं यहाँ पे एंड, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी ही। तो तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, सी यू सून, बाय बाय।